हिस्सा रोका। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बहराइच छात्र की सकुशल वतन वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। बहराइच के जरवल क्षेत्र के सबसा निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र शिवेंद्र सिंह भी रूस यूक्रेन युद्ध में जिफ्रोजिया में फंस गया था। बेटे की सकुशल वतन वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। बेटे के सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहाँ हमेशा भय का माहौल है सर, वहाँ पे फाइटर प्लेन ऊपर से निकलते हैं तो लगता है सर अब कहीं भी हमला हो सकता है। जैसे हम लोग वहाँ बंकरों में छुपे बैठे रहते थे, सायरन बजता था, हम भग के बंकर में जाते थे, फिर आते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि तुरंत फिर सायरन बज जाता था, हमें तुरंत फिर भग के जाना पड़ता था। सर अभी जिस दिन ये मीटिंग वगैरह हुई है, फिर उस दिन हमें मौका मिला निकलने को, हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइज जारी की कि उस दिन हम निकल के बॉर्डर की तरफ जाएँ। सर फिर हम लोगों ने उस दिन ट्रेन पकड़ के सर हम लोग पहुँचे बॉर्डर की तरफ, फिर वहाँ सर टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, करीब 50-60 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उधर हमें इंडियन एम्बेसी की काफ़ी मदद मिली, इंडियन एम्बेसी ने हमें उधर होटल में रोका, फिर वहाँ खाना वगैरह खिलाया, फिर फ्लाइट की सहायता से हमें वापस भेजा दिल्ली। बच्चा हमारा वापस आ गया, हमको बहुत महान खुशी हुई, हम मोदी सरकार के आभारी हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां सीआईएसएफ जवानों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक सीआईएसएफ कर्मी शरद मिश्रा मौजूद भी रहे। बता दें कि मेडिकल शिविर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ईसीजी जैसी तमाम जाँचें की गई। बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 2 अन्य जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 112 बटालियन के जवान बोलेरो कार से ड्यूटी पर जा रहे थे, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। ड्यूटी पे जा रहे थे, जाते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ। बोलेरो गाड़ी से 3 लोग थे, इनका एक्सीडेंट स्पॉट पे हुआ है कि हॉस्पिटल में लाते हुए? नहीं, अब जानकारी के हिसाब से उसको हॉस्पिटल में डेथ हुई है, ऑन स्पॉट आना चाहिए, क्योंकि कन्फर्म अभी नहीं हुआ, लेकिन ये डेथ हो गई थी। आप डेथ हुई? आप कौन हैं इनके? इनका चचेरा भाई हूँ। रात्रि 11 बजे चुनाव समाप्ति के बाद सीआरपीएफ चार्ली 112 कंपनी के 3 जवान जो यहां से अगले चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उनका हाईवे पर खजाला चौकी के पास में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 जवानों की मृत्यु हो गई। जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल, उसका इलाज हो रहा है। जवानों के परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हो गया है। उनके संबंध में जो अन्य आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में अध्यापकों की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां शौरतगढ़ के ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनकपुर में गेट में ताला लगाकर गुरुजी गायब हो गए। बता दें कि बिना किसी आधिकारिक सूचना के शिक्षकों ने छुट्टी ले ली, जबकि विद्यालय में 40 अध्यापकों की तैनाती की गई थी, उसके बावजूद भी विद्यालय बंद रहा। बच्चे पढ़ने के लिए आए और विद्यालय बंद देख इंतजार कर वापस चले गए। खबर बस्ती से है, जहां धारदार हथियार से युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ पड़े युवक का शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की छानबीन में जुट गई है। अब साहब कैसे बताए, अब कांटे है कटैया, हम क्या देखें दादा, कैसे बताए, क्या बताए साहब, बताओ। तो ये शाम को घर पे था? हाँ हाँ। फिर 7 बजे निकला। 7 बजे घर से निकला? हाँ। कुछ बता के निकला था? हाँ, कहे कि अब आई थे खाई थे, अब हमें कहाँ पता है, मेरे लड़के वो कह रहे अब कहीं जब खाए, अब तो लोग खाओ, हम आई थे खाओ, अभी
मर्डर इसके तो रात में खोजे आप लोग? नहीं, रात का हम नहीं साहब खोजे, कहे कि हम चला गए पोखरा पर तो रात बिरात आवत है जाते तो हम वही रहे नहीं घर आए। आज 4 मार्च के प्रातःकाल ग्राम वाहिद चक थाना सोनहा निवासी रिंकू पत्नी लालदेव ने थाने पर आकर यह सूचना दी कि उनके पति लालदेव वर्मा की किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। उनका कहना है कि कल 3 तारीख की रात 7:30 बजे उनके पति को किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था, जिसके बाद उनके पति वहाँ से चले गए, फिर उनके नंबर पर कॉल नहीं जा रहा था। आज प्रातःकाल किसी ने बताया कि उनकी लाश उनके गाँव उनके घर से करीब 300 मीटर दूर एक खेत में पड़ी है। इनकी इस सूचना के आधार पर अज्ञात के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी पहचान करने के लिए हम मेरे द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं, वो तीनों टीमें कार्यरत हैं। शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण कर अभियुक्त को जेल भेजेंगे। हमीरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संयुक्त टीम ने ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक सफारी गाड़ी और अवैध असलाह बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने ठग को जेल भेज दिया है। विष्णु दिवाकर नाम का एक शातिर ठग आज हमीरपुर पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया है। इस पर कानपुर आउटर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। यह मेरठ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। कई जनपदों से यह वांछित चल रहा है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि कभी अपने को ये IAS अफसर बताकर, कभी RSS का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताकर, कभी भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का अपने को नेता बताकर लोगों से ठगी का काम करता था। प्रदेश के विभिन्न जनपदों और दिल्ली तक में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। आज हमीरपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है इसकी गिरफ्तारी में। विवेचना के दौरान अभी बहुत सारे तथ्यों को इसमें समावेश करके और इसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की पूरी जानकारी कर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर श्रावस्ती जनपद के मदरहवा गांव से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। बता दें कि मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में लग गई है। सुबह फोन गया था कि आइए ले जाइए, न मार डालेंगे। क्या क्या मामला था, पहले से कोई विवाद? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, पहले से विवाद नहीं था। जी हाँ, थाना भिंगा के मदरावा गांव में विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो